एक मिनट रुकिए। भाई भाई इधर बता दियो, मायरा पास। ये इससे क्या कर रहे हो? मायरा जी रुकिए। मायरा जी मैं आपका सोलो हम दे दोगे ना फर्स्ट। आप तो पूछता है भारत। मायरा लुकिया। मायरा जी फर्स्ट कैमरा। मायरा भाई तुम्हारे तरफ मैंने बहुत बार देखा। थैंक यू। मायरा जी रुकिए। रुकिए बिग बॉस देख रहे हो क्या? नहीं मायरा जी कौन सा गाना आ रहा है? कौन सा सॉन्ग आ रहा है? गाना कौन सा आ रहा है? क्या धमाल मचा रहे हो? क्या धमाल मचाने वाले हो बताओ मेरे को। थोड़ा टर्न हो जाइए ना। ऐसा है, हाँ क्या है, महिला अगर यहाँ तक आ गई है तो फिर कोई धमाका ही होगा। क्या बात है सर। अगला वेडिंग सॉन्ग आ रहा है, आप सबको वेडिंग के लिए एक सॉन्ग दे रहे हैं जो आप सब परफॉर्म कर सकते हैं और डांस कर सकते हैं। महिला डांस करेगी हमारे सॉन्ग। पंजाबी सॉन्ग है सारा कुछ अभी बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा हम होंगे तो कुछ पंजाबी है। महिला जी का ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग पंजाबी है। ये बढ़िया पंजाबी के साथ साथ बॉलीवुड ही सुबह हम कुछ करेंगे तो हमारा बॉलीवुड पंजाबी रहता है तो वैसा ही एक फील रहेगा। और अब महिला जिस जो इस पर परफॉर्म करने वाली है वो आपको कभी नहीं दिखा। दिवाली में आएगा ये सॉन्ग कब तक आएगा? वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है अभी तो ये नवंबर में हम लाना चाहते हैं इसको। ओके मेरा सारे हमने इस गाने पे करते नहीं है लेकिन इन सब के अलावा आप हैं इस सॉन्ग में तो कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ एक्साइटिंग होगा। कितनी तैयारियां करने वाली हैं? अभी तो हमने मतलब मैंने तो अभी सारे स्टेप्स सीख लिए हैं। अभी जस्ट अभी मैं रास्ते में जाते हैं तो बच्चा पैदा हुआ है भूल जाएगा कॉलेज, एक महीने में बड़ा कर देंगे। हाँ ओके तो कब से शूटिंग की शुरुआत होने वाली है? ये यहीं रहते हैं, मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अभी तो ये बताएंगे आपको। विल प्लानेट मेट्स। मायरा जी बिग बॉस देख रहे हो क्या? नहीं देख रही यार मैं। देखना चाहिए आपको। मायरा जी गाड़ी यहाँ पे करण कुंद्रा ने आंटी बोल दिया समिता को। मायरा जी पारस भाई कैसे? पारस भाई मायरा जी मायरा जी पारस सर करण कुंद्रा ने आंटी बोल दिया समिता को बिग बॉस में। कुछ भी पूछते हैं सीजन 13 देख रही हूँ ये वजह क्योंकि मैंने देखा नहीं था अपना सीजन तो अभी जितना टाइम मिल रहा है हम अपने एपिसोड्स देख रहे हैं और पुरानी आ गए अभी नया वाला टाइम नहीं मिल रहा मायरा जी। लेकिन प्रोमोस एंड ऑल तो देखते होंगे कोई फेवरेट कंटेस्टेंट या कोई दोस्त है अंदर? शहनाज गिल को आपने जैसा इंटरव्यू दिया काफी शहनाज गिल के बारे में कुछ कहने इंटरव्यू दिया आफ्टर सो मेनी टाइम अपने फैन से मिली शहनाज इतने मतलब दुखों के समय के बाद आप कुछ कहना चाहिए शहनाज?